11 तारीख तक के हमारे खाते में अगर दिव्यांग जितने भी औरंगाबाद शहर के तो सबके अगर खाते में जमा होते हैं तो ठीक, अगर जमा नहीं होते हैं 11 तारीख तक तो 13 तारीख को जो इलेक्शन का दिन है जी, हम लोग इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे, हम किसी को वोट नहीं डालने देंगे। तो निवेदन दी थी मैंने इलेक्शन बहिष्कार का, तो अब मैं वो स्थगित करती हूँ। ये न्यूज हमने जो औरंगाबाद अपडेट पे दिए थे और इन्होंने हमारे बहुत सहकार्य करे और ये न्यूज के वजह से ही हमारे ये जो काम है, ये जो 5% निधि का जो जो काम है वो उन्होंने पूरा करे। इसी तरह आप हमारी न्यूज पूरे हमारे नेताओं तक भी और हमारे पूरे अधिकारियों तक भी पहुंचाए। जैसे मैं हमारे इम्तियाज जलील साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि कोई भी हमारे सामने नहीं आया, कोई भी हमारे मदद के लिए नहीं आया, मगर हमारे इम्तियाज जलील साहब ने हमारी मदद की है, हमारे वास्ते किसी को भेजे यहाँ पर और हमारी समस्या को हल करने की गुजारिश करे। निवडणूक आयोग के जो अधिकारी है उन्होंने महानगर पालिका कमिश्नर को लेटर के जल्द से जल्द दिव्यांगों का जो मसला है उसको हल करें और उस पर कार्रवाई करके उनके जो खाते में जो 5% निधि है वो जमा करें और उसके दिव्यांग सेल की ओर से MIM को समर्थन कर रहे हैं और प्रगति दिव्यांग महिला बचत गट भी MIM को पूरा समर्थन है। मैं अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समिति दिव्यांग सेल के अध्यक्ष शाहिदा शेख 3 मई 2024 को मैंने महानगर पालिका कलेक्टर ऑफिस और महानगर पालिका दोनों को भी 5% निधि हमारे दिव्यांग लाभार्थियों को जो 2018 से जो लागू हुई है वो हमको कुछ 2023 के 2008 महीने के रोक के रखे थे महानगर पालिका वालों ने। हमने उसके विरोध में उसके अगर से उन्होंने 2-8 महीने के 5% निधि अगर उन्होंने 2-3 दिन 11 तारीख तक के अगर हमारे खातों में जमा नहीं करे, दिव्यांग लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं करे तो हम महानगर पालिका ये इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे, ऐसा निवेदन दिए थे। जिला अधिकारी कलेक्टर ऑफिस के जो निवडणूक आयोग के जो अधिकारी है उन्होंने महानगर पालिका कमिश्नर को लेटर भेजा कि जल्द से जल्द दिव्यांगों का जो मसला है उसको हल करें और उस पर कार्रवाई करके उनके जो खाते में जो 5% निधि है वो जमा करें और उसके उनको निवडणूक मतदान देने के लिए प्रवृत्त करे। महानगर पालिका ने आज हमको लेटर दिए, आश्वासन लेटर दिए और उन्होंने कहा कि मई 2023 से तो जुलाई 2023 इसके 4 महीने के दिव्यांगों के पैसे हमने पहले दे चुके, उसके बाद अब 2 महीने के यानी कि अगस्त और सितंबर 2023 एक दो दिन में हमारे खातों में जमा कर देंगे, दिव्यांगों के खातों में जमा कर देंगे और बाकी जो 6 महीने के जो है जो जितने भी दिव्यांग है उनके 6 महीने के जो बाकी जमा 5% निधि है वो 2-3 दिन में 8 दिन में हमारे खातों में दिव्यांगों के खातों में जमा हो जाएंगे। यह हमको हाँ यह हमको आश्वासन मिला मगर हम इससे नाराज है। हमको पूरे 8 महीने के पूरे जितने भी दिव्यांग है सबके 8 महीने के हमारे खाते में जमा कराना था महानगर पालिका में, मगर हमने जो ये बहिष्कार का जो निवेदन दिए थे उससे इनकी सिर्फ थोड़ी सी आंखें खुली और उन्होंने सिर्फ 2 महीने के एक दो दिन में जो हमारे खाते में जमा करेंगे बोले, मगर अभी 6 महीने के ऑलरेडी वैसी थक बाकी जमा है। तो अब ये उन्होंने 2-3 दिन का टाइम दिए मगर मैं इनको मेरे संगठन की तरफ से 15 दिन यानी कि आने वाली 25 मई तक के टाइम दे रही हूँ। 25 मई को अगर इन्होंने हमारे सब दिव्यांगों के खाते में पैसे जमा नहीं करे तो आने वाले 27 मई 2024 को हम हमारे संगठन की तरफ से आमरण उपोषण करेंगे और मैं इनके लिए जो निवेदन दी थी मैंने इलेक्शन बहिष्कार का तो अब मैं वो स्थगित करती हूँ और क्योंकि हमारा जो अधिकार है, हमारा जो हक है
क्या हमको वोट देना है, तो इसलिए मैं अपना अधिकार अधिकार पूरा करूंगी। और मैं तो बिल्कुल पूरी जितनी दिव्यांग महिला है और पूरे जितने भी हमारे औरंगाबाद जिले के जितने भी लोग हैं जनरल भी, उन सबको निवेदन करूंगी कि अपना जो हक है वो पूरा करें और सब अपने अपने जो उम्मीदवार है उन सबको वोट देकर चुनकर लाए। मैं भी वोट दूंगी और मैं सब दिव्यांग महिलाओं से, मेरे भाई बहनों से निवेदन करूंगी कि सब आने वाली 13 तारीख को सवेरे 7 बजे से लेकर तो 8 बजे तक, 7 बजे से लेकर तो 6 बजे तक जो निवडणूक मतदार संघ पर जाकर अपना वोट जरूर दे। ये न्यूज हमने जो औरंगाबाद अपडेट पे दिए थे और इन्होंने हमारे बहुत सहकार्य करे और ये न्यूज के वजह से ही हमारे ये जो काम है, ये जो 5% निधि का जो जो काम है वो उन्होंने पूरा करे। और मैं इनका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे जावेद भाई का जो न्यूज अपडेट है, औरंगाबाद अपडेट के जो संचालक है, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। और मैं चाहूंगी कि आप इसी तरह हमारा जो जो भी दिव्यांगों का जो भी मसला है, इसी तरह आप हमारी न्यूज पूरे हमारे नेताओं तक भी और हमारे पूरे अधिकारियों तक भी पहुंचाए। जब से हमने बहिष्कार का निवेदन दिए थे मगर तब से लेके तो हमें उम्मीद थी कि कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई इलेक्शन का परेड चालू है, कोई ना कोई नेता आकर यहाँ पर हमारे हमारे लिए बात करेगा या हमारे लिए कुछ अधिकारी से निवेदन करेगा या बोलेगा या कोई बातचीत करेगा कि इनका क्या मसला है और हल कर दो बोल के। मगर कोई भी नेता, कोई भी उसका कोई कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं आया और हमारे लिए कोई भी खड़ा नहीं रहा, कोई भी आके यहाँ पर बात नहीं किया। और है तो हमारे सिर्फ एक उम्मीदवार जो खड़े हैं, हमारे जो खासदार है इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने हमारी समस्या, दिव्यांगों की जितनी भी समस्या है समझे और उन्होंने अपने एमआईएम पार्टी के जो शहर दिव्यांग के जो शहर अध्यक्ष है मोहसिन भाई, इनको आदेश दिया कि जाकर हमारे दिव्यांग बहनों का, भाइयों का जो दिव्यांग है लाभार्थी, उनका क्या मसला है जाकर अधिकारी से बात करो और उनका मसला हल करो। और वो इस नाते से मैं हमारे इम्तियाज जलील साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि कोई भी हमारे सामने नहीं आया, कोई भी हमारे मदद के लिए नहीं आया, मगर हमारे इम्तियाज जलील साहब ने हमारी मदद की है, हमारे वास्ते किसी को भेजे यहाँ पर और हमारी समस्या को हल करने की गुजारिश करे। इसलिए मैं सबको निवेदन करती हूँ, सबको गुजारिश करती हूँ क्या एमआईएम पार्टी को उनकी जो निशानी है पतंग, इन्हीं को वोट देकर इनको उम्मीदवार और इन्हीं को खासदार चुनकर लाए, इन्हीं को कामयाब करें। मैं शाहीन शेख अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार समिति से जिला सचिव बोल रही हूँ और हम है तो दिव्यांग सेल की ओर से एमआईएम को समर्थन कर रहे हैं और प्रगति दिव्यांग महिला बचत गट भी एमआईएम को पूरा समर्थन है। क्या आदेश मिलेगा आपको खासदार साहब? जैसा ही ये लोगों ने 3 तारीख के दिन इलेक्शन बहिष्कार करने का फैसला लिया था और जैसा शहर के अंदर न्यूज चली तो मुझे पार्टी की तरफ से, खासदार साहब की तरफ से आदेश मिला कि दिव्यांगों का क्या इशू है। मतलब साहब वो महानगर पालिका ने राइटिंग के अंदर पत्र दिया था कि हम 8 महीने के पैसे 31 मार्च तक क्लियर करेंगे, लेकिन आचार संहिता होने की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए थे। तो भी मेरे को खासदार साहब ने कहा कि अपने अपने कमिश्नर को जाके मुलाकात करो और क्या मसला है वो क्लियर करके लो। जैसा ही इन्होंने 3 तारीख को निवेदन दिया, उसके बाद सबसे पहले अगर यहाँ पर एडिशनल कमिश्नर के पास कोई पहुँचा तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा यही चाहती है कि दिव्यांगों को उनका हक मिले। एडिशनल कमिश्नर साहब से मेरी चर्चा हुई, एडिशनल कमिश्नर साहब ने मेरे को यही कहा था कि हम 2-3 दिन के अंदर आपके पैसे जमा करने वाले हैं। तो मैंने सभी को यही अपील किया था कि इलेक्शन का बहिष्कार ना करते हुए अपन लोग, ये लोग जितने महीने के पैसे दे रहे हैं वो लेने के बाद जैसा ही आचार संहिता ख़त्म होती है तो ये महानगर पालिका को जो भाषा समझ में आती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनको उस भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रही है। तो ये मैं महानगर पालिका के अधिकारियों को इस चैनल के माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ, अगर ये निधि आचार संहिता ख़त्म होने से पहले तुम क्लियर नहीं करते और 24-25 का वर्ष शुरू हो चुका है, उसका दूसरा महीना शुरू हो गया है, ये सब काम कभी जल्द से जल्द नहीं करे जाते तो एमआईएम पार्टी किस भाषा में इनको जवाब देना है वो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं।